गाइस कोई बोल ही नहीं सकता कि ये नई बाइक है, जो कि 10-15 दिन पहले ही निकली है शोरूम से। अभी क्या हाल चाल है आप सभी के? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइस अभी का प्लान ऐसा है कि हम जा रहे हैं मयूर विहार फेस वन, क्योंकि विक्की की बाइक में आ गई है एक प्रॉब्लम, जो कि उसकी बाइक का गियर ही टूट गया है। गाइस नई बाइक है, क्यों टूट गया, कैसे टूट गया, यही सब सवाल पूछेंगे उसके शोरूम वाले से, या फिर जाना पड़ेगा लेके सर्विस सेंटर पे। तो चलिए शुरू करते हैं, निकालते हैं अपनी बाइक को और चलते हैं मयूर विहार फेस वन। सो गाइस लेट्स गो। शक्तिमान शक्तिमान मैं हूं। दो हमारा कवच, यो बाय बाय बाय। सो गाइस चलते हैं। सो गाइस ये हैं स्कूटी वाले छपरी राइडर, जिनको आ गया है शौक बाइक स्कूटी भगाने का। सो गाइस जब विक्की की कॉल आई मेरे पे आज वो मॉर्निंग में, तो मुझे उसने बताया कि यार गियर टूट गया इसका। तो मुझे लगा यार गियर वेयर दी होगी बाइक, लेकिन उसने बताया कि अपने आप गियर डाउन कर रहा था उस टाइम टूट गया। कुछ समझ भी नहीं आया यार, गियर डाउन करते हुए गियर टूट गया था। मुझे तो लगता है यार उसने ब्रेक समझ के। क्या पता उसने गियर को ब्रेक समझ लिया और दबा दिया भाई। तो जाके पता लगेगा क्या करा है विक्की बाबा ने। विक्की देखो अभी तक तैयार भी नहीं हुआ है, पागल वागल है क्या, मुझे बुला के खुद बनियान में घूम रहा है। चलना नहाने चलेंगे, पहले नहा तो ले। जल्दी नहा क्या भाई, तू क्या ढूंढ रहा है? हाँ गाइस देखो किस किस बंदे को मॉनिटर बना दिया जाता है। शकल दिखाइयो, ये मॉनिटर है, एक बार उसकी शकल बनाना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गाइस दोनों भाई नमूने हैं, देख लो। जिस उम्र में हमें ये भी नहीं पता था कि गंगाधरी शक्तिमान है, उस उम्र में इस बच्चे को मिल चुका है अपना पर्सनल फोन। करो अनबॉक्सिंग, हाउ लक्की यू आर। सही में यार कितना लक्की है तू। ये क्या है? अच्छा कौन सा फोन है? Redmi 10। सेटअप कर दिया बोलो। हाँ। तो गाइस ये देख सकते हो ये टूट गया विक्की की बाइक का गियर, पूरा टूट गया। इसे खोलियो, ये जहाँ तक है जोड़ दूंगा मैं। सो गाइस ये जो नट है ना, ये वाला नट लगने वाला है इसके अंदर, इसके अंदर लगेगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं, अगर जुड़ जाता है तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। सो गाइस बाइक है तीसरे गियर पे और फिक्स करने की ट्राई करते हैं, जहाँ तक है विक्की ने भी कर रखा है तो हो नहीं रहा है। सो गाइस मिशन पास, हम ले आए हैं बाइक को न्यूट्रल पे। ये जो था ना इसका, ये निकल गया था, जो कि हमने सही कर दिया है। कुछ कहना चाहोगे विक्की? ये हुआ कैसे, मैंने भी तो किया था। सो गाइस अब हम बन चुके हैं एक मैकेनिक, तो बोल नहीं सकते मैकेनिक, क्यों नहीं बोल सकते यार, मैकेनिक बन चुके हैं हम। सो गाइस अब लेकिन एक बार इसको टाइट करवाने जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो मैकेनिक के पास ले गया, तो उसने क्या कहा था? नया लगेगा। चलो ठीक है, बोला अच्छा नया गाड़ी में तुम नया लगाओगे।
होगा, इस बाइक को आराम से लेके जाना पड़ेगा। अबे साले क्या हो रहा है? वही तो समझ नहीं आ रहा है, बंद क्यों हो रही है? साले डिफेक्टिव पीस तो नहीं दे दियो? सो गाइस साले ऐश मैप खोल ले। मैप सारे ये बाइक तो चलेगी नहीं मुझसे। गाइस इस बाइक में आ रही है बहुत सारी दिक्कतें। वो साले बाइक गिरी है क्या? बाइक गिरी है क्या साले? बाइक के तो टायर, बाइक के तो टायर वायर भी हिल रहे हैं, बाइक के तो टायर भी हिल रहे हैं। हाँ अबे सर नई बाइक में क्या काम करेगा? बाइक में से कुछ आवाज आ रही है। सारे बाइक के एक्सेलरेटर भी मर चुकी है। सारे नई बाइक लग रही है, पावर ही नहीं हो रही। पता नहीं क्या दिक्कत है। एक दो दिन तो ऐसे चली थी, पता नहीं क्या ही लेके आया। उसके बाद पता नहीं दिक्कत क्यों आने लगी बाइक में। नई बाइक में जो तीसरे गियर पे ही चला रहा हूँ मैं, चौथे पे नहीं उतार सकते हैं। पूरी बाइक कांप रही है गाइस, पूरी बाइक कांप। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं शोरूम। ये रहा TVS नोएडा, सॉरी TVS लक्ष्मी नगर। तो गाइस कोई बोल ही नहीं सकता कि ये नई बाइक है, क्योंकि 10-15 दिन पहले ही निकली है शोरूम से। यार इतनी दिक्कत है, आ ही नहीं सकती यार, क्योंकि मुझे मेजरली इसमें बहुत सारी चीज़ें दिक्कत लगी, जैसे कि इसका टायरों का ऐसे हिलना, डिसबैलेंस होना, और गियर प्रॉब्लम तो आपको दिखाई मैंने। बाकी विक्की अंदर गया है और किसी को बुला के ला रहा है, फिर बताता हूँ। तो गाइस ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई है, उन्होंने जो भी था अपना कर दिया है, और गाड़ी की नंबर प्लेट भी आ गई है। तो नंबर प्लेट लगाते हैं अब और चलते हैं। एक बार इन भाई को भी बोलूँगा बाइक चला के देखने के लिए, इन्हें पसंद में आ जाएगी अगर कोई दिक्कत होगी। बेटा मुझे ना वाइब्रेशन से फील हो गया बाइक में,
और इनको भी समझ में आती है, फिर देखते हैं सर्विस सेंटर ले जाते हैं। बाकी जो गियर वाली प्रॉब्लम थी उन्होंने सॉल्व कर दी है अमन भैया ने। भैया ट्राई करने जा रहे हैं बाइक, वो देखेंगे बाइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नहीं जाएगा ले। क्या हाँ अरे 100 किलोमीटर भी नहीं हुए भाई, इससे से ऑफिस जाना पड़ेगा। आपको भी वही दिक्कत लगी? तो गाइस भैया को भी सेम प्रॉब्लम फेस करी है भैया ने भी, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। अभी आ रखे हैं मयूरगढ़ फेस वन बिरयानी की शॉप पे, विक्की दे रहा है पार्टी, बाइक की पार्टी पेंडिंग थी इसकी तो वही पार्टी दे रहा है। सो खाते हैं फिर मैं निकलूँगा अपने घर के लिए। गाइस अब हम निकलते हैं अपने घर, विक्की जा रहा है अपने घर, बाय कर दो गाइस। तो हम भी जा रहे हैं अपने घर और टाइम हो रहा है अभी 7:20 और घर जा रहे हैं, घर जा कर दिखाता हूँ। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:00 और कुछ भले लोग यहाँ पे लगे पड़े हैं, प्रकार हो रहा है कुछ काम धाम में, और मम्मी लगी पड़ी है गेम खेलने में, जो कि पूरे दिन गेम खेलते हैं, ये मम्मी का फेवरेट गेम है। और इस घर में सबसे ज़्यादा फ़ोन का यूज़ मम्मी करती है। मम्मी कुछ कहना चाहोगे फ़ोन के बारे में? सो मम्मी कैमरा फ्रेंडली नहीं है गाइस। सो इस व्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, और मिलता हूँ आपसे एक और बेहतरीन व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस और लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस।